कोरोना के प्रकोप के चलते पूरे देश में ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई की जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज हरियाणा में संपर्क बैठक नाम की एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास से इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप से खेल खेल के साथ पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई भी कर पाएंगे। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में इस ऐप से छोटे बच्चों को लाभ मिलेगा। इसका हमारे विभाग के साथ पहले से जुड़ी हुई है, आज उसने एक ऐप की शुरुआत की है। ये ऐप जो है वो एक से लेके पांचवी क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम की ऐप है और इससे बच्चे खेल खेल के द्वारा कार्टून फिल्में व आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पहेलियाँ कविताएँ फिल्म कार्टून के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इस ऐप को सिर्फ एक बार ही मोबाइल पर डाउनलोड करना है, बार बार इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम कर सकती है। इस ऐप में कक्षावार विषयवार सामग्री उपलब्ध है। शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम SERT द्वारा जिला स्तर व स्कूल स्तर की गतिविधियों को इस ऐप के जरिए बच्चे अध्यापक देख सकते हैं। प्रदेश के सभी अध्यापक एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं व अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। इस ऐप में शिक्षा विभाग द्वारा सभी आदेशों को अध्यापक व बच्चे भी देख सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चे इससे घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी लाभ हमें होगा और इसका कोई चार्जिंग भी नहीं है, बिना किसी चार्ज के हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से ये संस्था संपर्क फाउंडेशन जुड़ी है। तो मैं इसकी शुरुआत भी करता हूँ और फाउंडेशन का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे मुश्किल के टाइम में उन्होंने इस प्रकार की ऐप उन्होंने उपलब्ध कराई जिससे बच्चे घर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।